नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। 11 गांवों के करंट लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। खेत पर काम करते समय विद्युत लाइन का तार दरअसल टूटकर गिर गया। हादसे में मां, बेटे और पुत्र वधु की मौत हुई है। कुचेरा थाना क्षेत्र के 11 गांव की घटना है, जहां पर एक परिवार के 3 सदस्य जो मौत की नींद सो गए। विद्युत तार लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट की चपेट में आए और तीनों की मौत हो गई। कुचेरा थाना क्षेत्र के 11 गांव की घटना है और दर्दनाक ही हादसा रहा है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी यह है कि मां, बेटा और पुत्र वधू हंसता खेलता परिवार ये था, लेकिन अब ये परिवार नहीं रहा। 3 सदस्य इस परिवार के जिनकी मौत हुई है इस हादसे की वजह से। कुचेरा थाना क्षेत्र के 11 गांव की पूरी घटना है, जहां पर यह हादसा हुआ है। खेत पर काम करते समय दरअसल विद्युत लाइन का जो तार था वो टूटकर गिर गया और विद्युत लाइन का तार टूटने की वजह से करंट लगता है। हादसे में मां, बेटे और पुत्र वधु की मौत हो जाती है। यूनुस हमारे सहयोगी नागौर से हमारे साथ लाइन पर है। यूनुस, बड़ा ये दुखद हादसा रहा है, लेकिन पूरी जानकारी इस पर दीजिएगा। देखिए, कुचेरा थाना इलाके के 11 गांव की ये पूरी घटना है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है। इस मामले के अंदर पुलिस का ये कहना है कि ये परिवार पशुधन के लिए चारा लेने के लिए जा रहा था और खंभे का तार टूटा हुआ की वजह से ये चपेट में आ गए। हरेंद्र, उसकी जो पत्नी है सीमा और कंवराई, तीनों की मौत हो चुकी है। कुचेरा थाना पुलिस ने तीनों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए कुचेरा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कुचेरा थाना अधिकारी मुकेश चौधरी खुद मौके पर है। जी यूनुस, ये विद्युत लाइन का तार क्या पहले से ही टूटकर लटका हुआ था या फिर अचानक से हादसा हुआ है? पुलिस का शुरुआती जांच के अंदर ये पाया गया है कि तार मौके पर टूटा हुआ पड़ा था, क्योंकि बारिश का टाइम है। तार कब टूटा इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तीनों की मौत विद्युत तार के चपेट में आने से मौत हुई है। ठीक है यूनुस, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।